अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ईद के 3 दिन भी गुजर गए, 3 के बाद 4 और 5वां दिन भी गुजर गया। तो ईद भी गुजर गई खैर खैरियत से और बिस्मा की इंगेजमेंट भी हो गई खैर खैरियत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्मा की इंगेजमेंट भी खैर खैरियत से हो गई और सब आए, हमें बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत सारी दुआएं दी और बिस्मा को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले बिस्मा के ससुराल की तरफ से, तो उसे बहुत अच्छे लगे सब गिफ्ट्स भी। और आज जो है ना, वो अभी रात के 11:15 बज रहे हैं और मैं और रोहेब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, मतलब पैर का एक्सरे करवाने के लिए। मेरे बहुत टाइम से, बहुत मन से मेरे पैर में तकलीफ है, तो अब जो है ना वो मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। तो ईद से पहले से बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ गई थी, पर ये कि बोल बोल के ईद के बाद जाएंगे, ईद के बाद जाएंगे। तो आज फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि चलो एक्सरे करवाने के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं। और आप लोग दुआ करना कि कुछ ऐसा मतलब ख़राब ना हो मेरे पैर में, दुआ करना कि सब बेहतर हो। तो अभी हम एक्सरे करवाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखना और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी करना सबसे। मैंने आपको डॉक्टर के पास लेके चलूं? तो अभी हम एक्सरे करवा के वापस आ चुके हैं। क्या कर रहे हो? तो आज मेरी इनकी बर्थडे है, तो उसके लिए भी हम लोग केक भी लेकर आए हैं। तो चलें फिर चलते हैं मरियम को, मरियम की बर्थडे करते हैं। ये वीडियो नहीं बनाने देंगे। तो अभी हम एक्सरे करवा के वापस आ चुके हैं और आज मरियम की बर्थडे है, तो अभी हम उसके लिए केक लेकर आए हैं। अभी मेरा एक्सरे कुछ ठीक नहीं आया है, तो वह बता रही है बिस्मा। तो अभी मरियम का चल के सरप्राइज देते हैं, उसकी आज बर्थडे है। तो चले चले मरियम के पास, चल क्या क्या नरेंद्र नहीं करो। आप तो चुप कर जाओ।
मरियम का है। हैप्पी बर्थडे मरियम, हैप्पी बर्थडे बोलो। दुरान 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 हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सुना दो जरा। ऐसे नहीं, शेक हैंड करके मरियम से शेक हैंड करो और हैप्पी बर्थडे कह दो, सॉन्ग गा दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा मरियम केक? दुरान केक कैसा है? केक कैसा है? अच्छा दुरान केक यही है? केक वावा तो जी चलो मरियम सबको बुलाते हैं फिर आपके बर्थडे करते हैं। ये लो रोहिब आपके बर्थडे है जो आप बैठ गए हो। अभी अक्टूबर में आएगी, अक्टूबर में विस्मय की आएगी। ये क्या रोहिब ऐसे केक के आगे बैठ गए? चलो बैठे करेंगे हम लोग थोड़ी देर में कॉल कर रही केक के आगे देखो कैसे बैठी हुई है। मरियम अपना मुंह दिखाओ थोड़ा। अभी किसकी बर्थडे? जोरन अभी किसकी बर्थडे? तो मरियम की बर्थडे से हम फ्री हो चुके हैं। मरियम का केक कट गया है और हमने केक भी खा लिया है
और आज के वीडियो में कुछ इतना खास नहीं था, आज के दिन कुछ भी इतना खास नहीं हुआ, तो इसलिए वीडियो बहुत शॉर्ट थी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब क्या मेरी बर्थडे 18 फेब को आती है। हाँ अभी बहुत दूर है, बिस्मा की आएगी अभी अक्टूबर में, बिस्मा की आएगी, मुझे बहुत दूर है अभी। बंद खत्म करें, तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ करने के बाद बुरहान को लग गई बहुत शदीद चोट। बुरहान के दरवाजे में हाथ था, ज़रैन को पता नहीं था, तो ज़रैन ने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद कर दिया और उसका हाथ, उसकी फिंगर्स जो है ना, वो दरवाज़े में बहुत बुरे तरीके से आ गई। तो अभी तो बहुत रो रो के जो है ना वो अभी चुप हुआ है। तो आप दुआ करें कि सुबह तक उसका हाथ ठीक हो जाए।